देवास में आज दिनांक 21 जनवरी 2023 को यातायात जागरूकता मिशन हेतु कार्यक्रम का आयोजन सेंट्रल इंडिया एकेडमी स्कूल के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिदयाल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विशाल सिंह चौहान, आयुक्त नगरपालिका निगम देवास तथा विवेक सिंह चौहान, नगर पुलिस अधीक्षक देवास उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम सरस्वती वंदना एवं माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात स्कॉलर एकेडमी स्कूल एवं सेंट मैरी कॉन्वेंट के बच्चों द्वारा यातायात की शिक्षा को नुक्कड़ नाटक माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वहीं सेंट्रल इंडिया एकेडमी के छात्र द्वारा बहुत सुंदर कविता पाठ किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में यातायात पुलिस देवास के सहयोग से निर्मित 3 लघु फिल्में जो यातायात की शिक्षा दे रही हैं का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात उन सभी स्कूलों एवं संस्थाओं के लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान किए गए, जिन्होंने यातायात के कार्यक्रमों को आयोजित करने में सहयोग दिया था। कार्यक्रम में डॉक्टर शुदयाल सिंह एवं विशाल सिंह चौहान ने आमंत्रित अतिथियों एवं स्कूल के बच्चों से यातायात के नियम का पालन करने का वचन लिया। कार्यक्रम का आभार डीएसपी किरण कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में अशासकीय स्कूल संस्था के पदाधिकारी गण, सीआईए स्कूल के डायरेक्टर अरोरा, विभिन्न फैक्ट्रियों के संचालक, कई स्कूलों के प्राचार्य एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सप्ताह का भी समापन हुआ है, क्या पूरा कार्यक्रम? देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह पर आज स्कूली बच्चों, स्कूल के प्रिंसिपल्स और अन्य लोगों की एक मीटिंग रखी थी। एक समारोह किया गया जिसमें ये समझाइश दी गई कि किस तरह से हमको यातायात के नियमों का पालन करना है, और उसमें विस्तृत नुक्कड़ नाटक और इस तरह के कार्यक्रम हुए जिन्हें बच्चों में जागरूकता पैदा की जाए। सर, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है? जिन लोगों ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया था। इसमें कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऑटो चालक थे, कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने आई साइट चेक की थी, सबको सम्मानित किया। सर, कुछ फिल्में भी दिखाई गई, उसका भी कुछ स्कूलों में दिखाई जाएगी? यातायात की जागरूकता को लेकर कुछ मूवीज यातायात विभाग ने बनाई है, उन सभी को डिस्प्ले किया गया है वहाँ पर, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।